हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज वो दिन है जब मम्मी वापस जा रही हैं, तो सुबह सुबह उनका नाश्ता वगैरह हो गया है। उन्हें खमन और इदरा खाना था, वो उन्हें खिला दिया गया है और मम्मी बिल्कुल तैयार हो गई हैं निकलने के लिए। उनकी सुबह 11:30 बजे की ट्रेन है, तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं। सब हमारे पास पड़ोसियों से मम्मी मिल रही थी और इसके बाद लिफ्ट में बैठ गए हम लोग। और आज सुबह में काफ़ी इमोशनल सा एटमोसफेयर हो गया था, क्योंकि ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए आई, तो विवेक थोड़े इमोशनल हो गए थे, जिस वजह से मेरी भी आँख में आंसू गए थे। और बोला है मम्मी को कि भई आप करवा चौथ पे आओ, लेकिन लगता नहीं आएंगी, क्योंकि करवा चौथ और उनके जाने में काफ़ी कम गैप है। अभी जा रही हैं और अभी करवा चौथ तो आने ही वाला है, तो इसीलिए शायद ना भी आएँ। कहा तो है हमने हमारी तरफ से। और ये देखिए विवेक के पीछे छोटा सा बाबू जा रहा है ना, ये बिस्किट खाता है रोज़, इसीलिए तो आंखें आप देख के समझ ही सकते हो। विवेक की भी आंख में आंसू आ गए थे आज और मैं भी रो पड़ी थी, क्योंकि जब घर पे कोई आके जाता है ना तो बहुत ही घर सूना लग जाता है। मतलब लोग, मतलब कोई भी आता है, मेरी मम्मी, उनकी मम्मी, ऐसे एक रौनक सी लग जाती है। और जब रौनक लग जाती है तो फिर कुछ ही दिनों में वो लोग रौनक लगा के वापस चले जाते हैं, तो घर बहुत ही ज़्यादा सूना हो जाता है। एंड ये फीलिंग आप सभी ने कभी ना कभी फील की होगी, जब आपके घर में आपके मायके वाले या ससुराल वाले आते होंगे, तो फिर जब वो जाते हैं ना तो फिर नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। एक आध दिन तो मुझे बड़ा शौक सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है घर खाली खाली, पूरा घर मानो जैसे खाली हो गया हो, वैसे फील होता है। विवेक भी काफ़ी सुबह में अपसेट हो गए थे और काफ़ी, मतलब उनके भी आँख में आंसू आ गए थे। और बस यहाँ मम्मी से बात करते करते हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। और हमेशा जब भी मम्मी आती है मैं हमेशा उनको छोड़ने आती हूँ, आपने हमेशा देखा होगा ऐसे ही। जब मेरे ससुर जी जाते थे ना तो हमेशा मैं उनको छोड़ने जाती थी। और इनफैक्ट मेरे जो ससुर थे उनसे, मतलब जब उनकी डेथ हुई है ना, जब वो हमें छोड़ के गए इस दुनिया से, उसके कुछ टाइम पहले से तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनकी मेरी। यहाँ तक कि जब मैं उनको मतलब स्टेशन पे छोड़ने आती थी ना, तो मेरा हाथ पकड़ के वो ट्रेन में चढ़ते थे। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे उनको, मतलब यहाँ से क्या मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो कई बार बिना रिजर्वेशन के भी अचानक से जाना हो तो इंसान जा सकता है, मिल जाती है सीट। और कई बार सीट होती है तो ऐसा लगता है भाई वो एजेड थे ना, तो थोड़ा लगता था कि कोई साथ में नहीं है, कई बार अकेले जाते थे वो, तो तब कोई आजू बाजू में होता था ना, तो मैं उनको कहती थी कि भाई प्लीज़ मेरे फादर लोग का ध्यान रखना, आप प्लीज़ सामान उतरवा देना। वैसे तो एक ही बैग होता था उनके पास, तो वैसे मम्मी के पास भी सिर्फ 2 ही बैग हैं छोटे छोटे, एक मैं उठा के लाई हूँ और एक मम्मी ने उठाया था, और बीच में एक विवेक ने और मैंने उठा लिया था। तो हमेशा मैं मतलब पापा को छोड़ने आती थी, सच में बड़ा मिस करते हैं हम लोग उन्हें। तो फाइनली यहाँ पे देखो एक बैग विवेक ने ले रखा है फिलहाल, और ये वाला बैग पहले मैंने लिया हुआ था। तो ये 2 ही बैग थे मम्मी के, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आई थी तो लगेज भी बहुत ही कम था। और कल के व्लॉग पे आप सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, जिसमें हमारे घर में नवचंडी पाठ हुआ था माता जी का, तो थैंक यू सो मच सबके कमेंट्स के लिए। और आपने मम्मी के व्लॉग्स पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मम्मी के लिए, उनकी रेसिपीज़ के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर व्लॉग में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, थकी हुई बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे आ गई है मम्मी की ट्रेन, तो बस अभी मम्मी को बाय करना है। ये बाय कहना इज़ ऑलवेज वेरी पेनफुल, मतलब मैं आई एम काइंड ऑफ पर्सन के अपनों को बाय करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। सो यहाँ पे मम्मी को उनका सीट पे विवेक ने बिठाया। गुड इवनिंग गाइज, मम्मी जा चुकी हैं और आप देख ही चुके हो, मैंने आपको दिखाया स्टेशन पे वो जा रहे थे। कल से ब्लॉगिंग बहुत ही कम हुई है, कल जब हम लोग यहाँ से लाइक घर से निकले थे हम लोग किसी फंक्शन के लिए, मम्मी के एक पहचान वाले के यहाँ पे कुछ फंक्शन था, तो वहाँ कुछ शूट भी नहीं किया मैंने। और फिर पूरा दिन मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि वहाँ से आते थे बहुत लेट हो गया था, पीछे माता जी की आरती लगा के रखे, मैंने सो के उठी हूँ बस 10 मिनट पहले, इसलिए आंखें ऐसी हो रही हैं सोई सोई, बिकॉज सो गए थे हम लोग, मैं और विवेक दोनों, बच्चे दोनों ट्यूशन में हैं। और घर सूना लग रहा है ऑब्वियसली उनके जाने से, क्योंकि भले कुछ दिन के लिए आई थी वो 2-4 दिन के लिए, लेकिन घर में एक रौनक तो लगी जाती है ना बड़ों के आने से, और फिर उनके जाने से घर सूना भी लगता है। पहुँच चुकी हैं वो, उनका फ़ोन आ गया है, क्योंकि कितना बज रहा है, 6:30 बज रहे हैं शाम के। हाँ जो चाय रखी है किचन में, मैंने चाय बनाई है। और इसके बाद हम लोग अगेन निकल रहे हैं बाहर और एक वापस से एक बड़ा काम करने आज जा रहे हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने सब काम किए लेकिन कभी शेयर नहीं करे। आज मेरा मन किया कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो चलो शेयर करते हैं। सो अब वो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं, इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाने वाली। तो मम्मी जा चुकी हैं और घर काफ़ी सूना हो गया है। विवेक भी थोड़ी देर तो अपसेट रहे, फिर ओके हो गए, भाई अब समझदारी तो रखनी पड़ती है ना। हमने उनको कहा रुक जाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जो मेरे देवर की लड़की है ना वो स्कूल जाती है और देवरानी जॉब पे जाती है, तो उसकी जो बच्ची है ना उसको
मम्मी संभालते हैं, तो जब बोली ज़्यादा छुट्टी नहीं करा सकते स्कूल की, क्योंकि दोनों घर पे होते नहीं हैं देवर देवरानी, मम्मी संभालती हैं उसको, तो फिर छुट्टी नहीं करवा सकते ना, ऐसा उन्होंने रीज़न बताया। चलो चाय भी लेते हैं, विवेक गए थे नीचे नाश्ता लेने के लिए, अभी आ गए हैं। क्या लाए हो आप? आपने आरती क्यों बंद कर दी? मैंने अभी अभी बनाई है चाय, मुँह कुछ ज़्यादा ही सोया सोया लग रहा है, लगता है मुझे प्रॉपर और धोना पड़ेगा दोबारा, रौनक सी नहीं है चेहरे पे। चाय इतनी सी बनी आप सोचोगे, तो इन्होंने ना दूध ख़त्म हो गया था नीचे लेने भेजा, आए नहीं इतनी देर तक, तो इसीलिए फिर इतनी रह गई। तो हम लोग निकले थे घर से एक काम के लिए, हमें मंदिर में कुछ देना था, और यस हम लोग जो एक और दूसरा एक अच्छा काम करने जो जा रहे हैं हम, उसके बारे में मैं आपसे कल बात करूंगी, ठीक है? कल आपको बताऊंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ जस्ट टू इन्फ्लुएंस अदर्स, सो दैट मुझसे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हों, और मुझे देख के अगर कोई भी किसी के भी मन में वो ख्याल भी आए तो वो किसी की भलाई में जाए ना, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे तो हम मंदिर निकल रहे थे अभी, और मम्मी जो हैं वो दिवाली पे भी हमने आने के लिए मम्मी को बोला है, बट लेट्स सी, वो बोली कि देखती हूँ। एक्चुअली उनका गांव जाने का प्लान बन रहा है, जो इनका गांव है ना विवेक का गोवा के पास, वहाँ मम्मी का जाने का प्लान है मामा के साथ, जो मामा है ना विवेक के, मतलब सगे मामा नहीं है क्योंकि मम्मी अकेली बेटी थी, लेकिन जो कज़न्स हैं तो उनके साथ मम्मी वहाँ जाने वाली हैं, गाँव जाने वाली हैं, तो शायद ही वो आएंगी, वो बोल रही थी शायद ही आ पाऊँगी, तो मैंने रिक्वेस्ट तो करी है, देखो फिर, और अगर वो नहीं आती हैं तो फिर देखो हम कहीं जाते हैं क्या, क्योंकि पूरे साल इस बार तो हम कहीं नहीं गए, प्रिशा का 12th है, सो वी आर बिज़ी इन हर ट्यूशंस एंड ऑल, और बस यहाँ से हम निकल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि अभी घर पे हमें आरती करनी है, और ये जो व्लॉग है नवरात्रों के दरमियान का ही है, बस अब आपको कल या परसों नवमी जिस दिन हमने कंजिका खिलाई थी वो व्लॉग भी कल मिल जाएगा आपको, या तो इस चैनल पे या नए चैनल पे मिल जाएगा, फटाफट सब मैं सब डाल दूंगी और बिल्कुल रेगुलर व्लॉग्स हो जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ गाइस, तो व्लॉग्स बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे, है ना? तो बीच में ऑल्टरनेट डे डाल रही थी ना, इस वजह से व्लॉग्स में गैप आया हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे, और आज ये लोग गरबा खेलने जाने वाले हैं, जब से नवरात्र स्टार्ट हुए थे, कितना टाइम हो गया नवरात्र स्टार्ट हुए, लेकिन ये दोनों अभी तक गरबा खेलने नहीं गए हैं नीचे, तो आज इन लोगों का प्लान है। क्यों नहीं गए वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं जो कि चल रहे हैं, और जिस वजह से रोज़ नहीं भेज सकती हूँ मैं, और ऑब्वियसली प्रिशा का 12th है, तो इस बार वो भी रोज़ नहीं जा रही है, क्योंकि रोज़ जाओ ना तो फिर सोने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि 12:30 एक बजे तक, यहाँ तो वैसे 2-2 बजे तक गरबा चलता है, बट मेरे बच्चे तो 12:30 तक हम इन्हें लेके आ जाते हैं और फिर ये सो जाते हैं, तो बस। लेकिन फिर भी गुजरात का गरबा तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और हमारे यहाँ पे जब भी आरती होती है विवेक हमेशा बुक पकड़ के आरती करते हैं, और वो भी वही घंटड़ी भी बजाते हैं, तो ये हमारे यहाँ है हमेशा, मतलब वही करते हैं। और इसके बाद में फिर प्रिशा गई थी किचन में आरती के बाद, एक्चुअली हमारे लिए खाना है सब कुछ रखा हुआ दोपहर का, बट इनका मूड था वीट पास्ता खाने का। वैसे वीट पास्ता एकदम हेल्दी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे वाले नहीं हैं, बहुत ही अच्छे वाले हैं। तो वो किचन में जा रही थी और मैं यहाँ पे आ गई थी मेरे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सुखाने पड़ेंगे। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मौसम जिस डेट में मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आज है 8th of October, अरे भाई आज यहाँ बहुत बारिश हुई है, मतलब ये बारिश वाला जो व्लॉग है वो भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा, आप देख लेना, मतलब आप लगा लो यहाँ पे बारिश अभी भी हो रही है, करंट डेट यानी कि 8th of October है आज जब ये व्लॉग जा रहा है। आज यहाँ इतनी बारिश हुई मेरे सिटी में कि पानी भर गया था, मैं बच्चे को ट्यूशन से लाने में भी परेशान हो गई, वो भी आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही बारिश है, पता नहीं साउथ गुजरात में इस बार क्या हुआ है, दिवाली बिल्कुल सिर पे है, करवा चौथ सिर पे है, और बारिश तो ख़त्म होने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रही है, तो जिस वजह से ये स्टैंड हम बीच में पीछे रख भी दिए थे, फिर से ले आए अंदर, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और आज एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी जिनका नाम है फरी रिजवान क्लोथ्स आईडी है, जिन्होंने कल के व्लॉग पे लिखा है, दीदी आप कैसे हो, मैं 3 साल से आपको देख रही हूँ, व्लॉग मिस नहीं करती, और सच बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। और इसके अलावा एक कमेंट है कि आप तो इतने सुंदर हो कि कोई भी साड़ी पहनो अच्छे ही लगते हो, रेड साड़ी में तो बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू अल्पना अल्पना शर्मा।
और एक किसी ने ये भी लिखा है कि आप हमेशा क्यों रेड साड़ी ही पहनते हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रेड साड़ी ही पहनती हूँ, बहुत सारे कलर की साड़ी मैं पहनती हूँ। अगर आपने मेरे व्लॉग्स प्रॉपर देखे, एक तो मैं साड़ी पहनती ही गाइज बहुत कम हूँ, इतना हो नहीं पाता है क्योंकि कम्फर्टेबल नहीं रहती घर में काम करने में ना, मुझे तो नहीं लगती। मतलब जिन लोगों को आदत है साड़ी पहन के काम करने की, और अगर आपको मुझे साड़ी में देखने का बहुत ही ज़्यादा मन है या शौक है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ फॉलो कर लो तो आपको वहाँ पे मेरे डिफरेंट डिफरेंट साड़ी में मेरे रील्स मिलेंगे। वहाँ मैं बहुत सारे रील डेली अपलोड करती हूँ, फोटोज़ भी अपलोड करती हूँ अपने, और वहाँ मैं एकदम मतलब रेगुलर हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा। प्रिशा आ गई थी किचन में, ये पास्ता बना रही थी। वैसे अभी तो मेरे साथ खाना ही खाएगा वो, तो यही खाएगा, बट थोड़ा बहुत तो टेस्ट करेगा ही करेगा, हम भी थोड़ा बहुत तो खाएंगे ही। और ये पास्ताज में इसको मास्टरी हो गई है, वीक में एक या एक बार या 15 दिन में एक बार बनाती ही है ये पास्ता, और अच्छा बनाती है, खूब सारी वेजीज डालती है और बिल्कुल टोटल वीट पास्ताज हैं। और ये अभी आपको दिखा रहा है कि उसके कपड़े आने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, दिवाली की शॉपिंग, दिवाली, और यहाँ पे तो न्यू ईयर भी होता है ना, दिवाली का जो नेक्स्ट डे होता है ना, वेरी नेक्स्ट डे, वो यहाँ गुजराती न्यू ईयर होता है, उस दिन सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। तो दिवाली पर भी सब न्यू न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, धनतेरस पर भी और न्यू ईयर पर भी। तो ये जो टी शर्ट आपको दिखा रहा है ना, ये स्वेट शर्ट, ये H&M का है, H&M का, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है इसके लिए। एक्चुअली इसको H&M की टी शर्ट लेने का बहुत मन था, हुडी चाहिए थी इसे, इसे स्वेट शर्ट चाहिए थी, तो मैंने ये स्वेट शर्ट मंगाया। थोड़ा सा बड़ा साइज़ में ही मंगवाया है, क्योंकि देखो बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं ना, तो एज मतलब लंबाई वगैरह बढ़ जाती है ना, इसे थोड़ा बड़ा मंगाया ताकि ये एटलीस्ट 2 साल पहन सके। और यहाँ दोनों भाई बहन अपनी मस्ती करते करते कर रहे थे, और पता है जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे हैं ना, दीज मोमेंट्स आर वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। दोनों इतने प्यारे लगते हैं टाइनी टॉट्स की तरह साथ में काम करते हुए, एकदम टॉम एंड जेरी की तरह, चूहे बिल्ली की दौड़ की तरह, मतलब दोनों चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे पूरा दिन दौड़ते हैं। एंड इनकी जो जोड़ी है वो ऐसी है ना, सच्ची में कहते हैं ना, दो बच्चे तो होने ही चाहिए यार, मतलब आई डेडली बिलीव इन दिस थिंग कि दो बच्चे होने ही चाहिए एटलीस्ट, और मेरे तो 3 हैं। और जिनको नहीं पता है तो भैया वो सुन लो, मेरी एक और बेटी भी है जो मेरे एक्स हस्बैंड के पास है, जिसके बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ पहले, तो मेरी वो भी बच्ची है। और यहाँ पे प्रिशा ने पास्ता कर लिया है तैयार, बस रेडी होने वाला है, और बस इसको फिर ये लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और इसके बाद ये लोग जाने वाले हैं आज गरबा में, काफ़ी दिनों के बाद। तो यहाँ पे दोनों तैयार हुए हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है प्रिशा, और इसने कितने सुंदर इयररिंग पहने हैं। तो जैसी तैयार होके आई ना, बस चल पहले अभी सेल्फी खींचेंगे, अभी के साथ मिलके सेल्फीज़ वगैरह ले रही है ये, और बहुत सुंदर लग रही थी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिखाया नहीं, ये गरबे में गई ही नहीं है जब से गरबा स्टार्ट हुआ है। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ना, ये आई थिंक 7वें नवरात्रे का है, 7वां नवरात्रा था, ऐसे ही कुछ था आई थिंक। मतलब मैंने बीच में व्लॉगिंग भी नहीं की ना, सभी नवरात्रे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है, जिससे कि मैं रेगुलर हो सकूं। तो अब कल आपको आई थिंक अष्टमी नवमी का व्लॉग मिल जाएगा दोनों चैनल पे एक एक। तो देखो बच्चा हो गया तैयार नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए, नीचे जा रहा है, एकदम वर्थ हो रही है। ये कहाँ से लिए थे हमने? गोवा से लिए थे, मैं भूल गई थी यार। अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसने वो कुर्तियां पहनी है जो उसकी नई आई थी, मैंने आपको ये वाली शायद दिखाई थी, दिखाई थी हाँ, नहीं बड़े साइज की आ गई थी, एक्सचेंज में डाल दी थी, तभी एक्सचेंज होके आ रही थी ये। हाँ, वो बड़ा साइज आ गया था, बहुत प्यारी लग रही है, कहने के लिए कॉटन कुर्ती है, लेकिन इतनी ऑसम लग रही है सिर्फ एक ये कंबाइन करने से। तो ये जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है बच्चा। और अभी तू भी आ जा, मेरा सोना भी बहुत प्यारा लग रहा है, सोनिया जिसको नो मेकअप नो ज्वेलरी कुछ नहीं मिलता, कपड़े दिखाओ बच्चा, तुम भी दिखाओ तुम्हारे कपड़े। वाओ क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, सोने पा रहे, पापा आएंगे बीच में आप लोगों को शूट करने के लिए, रुको मैं फोटो ले लेती हूँ, फोटो ले लेती हूँ, एक मिनट हाँ, ऐसे ही रहना। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा आउटफिट, स्पेशली तुम्हारे ये जो ये है ना इयररिंग, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये हमने गोवा में कहाँ से लिए? खाने गए थे और वहाँ पे पास में एक ठेला से बैठी थी आंटी, और वहाँ से अपनी श्रुति दीदी को भी कुछ दिला के दिया था। हाँ, श्रुति आंटी को। हाँ ठीक है, बाय। चलिए गाइस, ये लोग जा रहे हैं, टाटा बाय बाय बच्चा, चलिए बच्चा, टाटा बाय बाय। आवाज आ रही है गरबा की यहाँ तक, ये देखो ये खेल रहा है गरबा। पापा आएंगे बीच में आप लोग को शूट करने के लिए? आज नहीं बेटा, मुझे शूट करना है एक, फिर आऊंगा। ये देखो इसको कितना मजा आ रहा है। सुनो तुम लोग जल्दी, ठीक है बेटा,
इन लोगों को ना मैं पानी की बोतल घर से देने वाली हूँ, क्योंकि है ना बाहर का पानी अभी को देना नहीं है। मैंने कहा बोतल लेके आते, चला गया। इसकी बोतल संभालना बेटा, ठीक है बाबू, बाय, एंजॉय।